हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये जानेंगे कौशन मनी क्या होती है, कौशन मनी के रूप में आपके कॉलेज द्वारा आपसे कितना पैसा लिया गया होता है और उसको आप सभी लोग किस तरीके से रिफंड करा सकते हैं। आप जान करके चौंक जाएंगे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो कौशन मनी के रूप में आप सभी लोगों से 5,000 से 10,000 रुपये का भी अमाउंट जमा करा लिया जाता है, जो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को मिलना होता है। तो उसको आप सभी लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कौशन मनी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन करवाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन करा रहे होते हैं तो उसमें आप सभी लोगों से फीस ली जाती है और उस फीस में तरह तरह की फीस होती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे 15,000 रुपये फीस के रूप में लिया गया या 12,000 रुपये आपसे फीस के रूप में लिया गया, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक बड़ा अमाउंट ट्यूशन फीस के रूप में होता है और बहुत सारी सुविधा शुल्क भी उसमें जुड़ा हुआ होता है और सारे अमाउंट जुड़ करके तब वो 12,000 रुपये आता है या 15,000 रुपये जो आप फीस देते हैं वो आता है, वो आप अपनी फीस रसीद में दे सकते हैं। उसी में आप देखेंगे अपनी फीस रसीद में एक कॉलम बना होता है कौशन मनी का। कौशन मनी का मतलब होता है रिफंडेबल अमाउंट, मींस जब आप कॉलेज में पहली बार एडमिशन लेते हैं तो कौशन मनी के रूप में कुछ रिफंडेबल अमाउंट आप सभी लोगों से जमा किया जाए कराया जाता है और वो जो अमाउंट होता है जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो उस सिचुएशन में आप सभी लोगों को दिया जाता है। अभी UPBTE ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। पहले क्या होता है कि जो पैसा जमा होता था उसके लिए अप्लाई करना होता था और बाद में वो अमाउंट पैसा आप लोगों को मिलता था। अभी UPBTE ने कहा है कि जब कोई भी स्टूडेंट अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का लेने आएगा तो उसको उसी सिचुएशन में कौशन मनी वापस कर देनी है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के कौशन मनी का मतलब होता है रिफंडेबल अमाउंट। कुछ पैसा ऐसा होता है जो एडमिशन के समय आप सभी लोगों से अतिरिक्त लिया गया रहता है, जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो वो पैसा आपको वापस किया जाता है। कुल मिलाकर के सिंपल से समझना है कुछ रिफंडेबल अमाउंट आपके स्कूल में जमा होता है, आपके कॉलेज में, वो आपको वापस करना होता है, उसी को कहते हैं। अब बात ये होती है कि कौशन मनी जमा कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो कौशन मनी के रूप में आपसे 200 रुपये का अमाउंट जमा कराया गया है। ये 100% श्योर है, सबसे लिया गया है, आप रसीद में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ आप हॉस्टल में रहते हैं, तो कॉलेज का 200 रुपये और हॉस्टल का 200 रुपये भी आपसे जमा कराया गया होगा। मीन्स कौशन मनी आप लोगों से टोटल 400 रुपीज़ जमा कराई गई होगी। ये जो 400 रुपये का अमाउंट आप सभी लोगों से जमा कराया गया है, ये जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप सभी लोगों को मिलना चाहिए, या आपका अधिकार है। मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बी फार्मा वगैरह डी फार्मा वगैरह कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप सभी लोगों से प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो एक बड़ा अमाउंट आप सभी लोगों से जमा कराते हैं, जैसे 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा भी वो आप सभी लोगों से ले सकते हैं, क्योंकि वो शो तो करते हैं जितना गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है उतनी ही शो करते हैं, लेकिन वह आपसे रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी मनी के रूप में और ज़्यादा अमाउंट आप सभी लोगों से जमा कराए रहते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपसे कितना पैसा कौशन मनी के रूप में जमा कराया गया है? उसके लिए आप सभी लोगों को अपनी फीस रसीद देखनी होगी। उस फीस रसीद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिफंडेबल अमाउंट आपसे कितना लिया गया है। जो रिफंडेबल अमाउंट आप सभी लोगों से लिया गया है वो रिफंड होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो वो अमाउंट आप सभी लोगों को वापस होना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अगर आप केवल पढ़ाई वहां कर रहे हैं, रूम लेकर के रहते हैं, तो कौशन मनी के रूप में आपसे 200 रुपये जमा कराया गया है। और अगर आप हॉस्टल लेकर के रहते हैं 200 रुपये उसका, मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं विद हॉस्टल रहते हैं, तो टोटल आपसे 400 रुपीज़ अमाउंट आपसे जमा कराया गया है और वो रिफंडेबल अमाउंट है, डिप्लोमा के बाद आपको मिलना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पैसा जमा कराया जाता है आप सभी लोगों से। वो कितना जमा कराया गया है वो आप सभी लोग अपनी फीस रसीद देख करके जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी फीस रसीद जरूर से ज़रूर देख लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये पैसा, ये जो कौशन मनी, जो रिफंडेबल अमाउंट आपका जमा है, इसको आप वापस कैसे कॉलेज से ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हाल में ही UPBTE की मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि जब स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट जो है, जब उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने जब कॉलेज आए, तो उसी के साथ साथ उसी सिचुएशन में उसको उसकी
कॉशन मनी वापस कर दी जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट, जब आप जाएंगे तो कॉशन मनी कभी आपको कैश नहीं दी जाएगी। जैसे आप मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने गए और आपको आपकी कॉशन मनी कैश दे दी जाएगी तो सारी समस्या ही समाप्त है। लेकिन होता क्या है कि कैश नहीं दिया जाता है, ये कॉशन मनी आपको आपके अकाउंट में सेंड करी जाती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से हो जाती है लापरवाही। क्या होता है कि जब हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे थे तो अपना कोई अकाउंट खुलवाए थे वहाँ लोकल में, और जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो हम उस अकाउंट को बंद करा दिए और कॉलेज के पास हमारे उसी अकाउंट का डिटेल है, तो कॉलेज क्या करेगा उसी अकाउंट में ही आपका पैसा ट्रांसफर करेगा और आपका अकाउंट उस सिचुएशन में बंद होगा तो आपको वो अमाउंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको सभी लोगों को ये हमारी सलाह है, आप सभी लोग ये ध्यान देंगे, जब आप फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपका अगर वही अकाउंट चल रहा है तब भी ठीक है, और आपने नया अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है, नया अकाउंट आपका जारी हो गया तो सिचुएशन में उसका पासबुक लेकर के जाएंगे और कॉशन मनी के बारे में वहां पर पूछेंगे। जहां पर आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेंगे उनसे आप कॉशन मनी के बारे में जानकारी लेकर के उनसे कह देंगे कि हमारी कॉशन मनी हमें वापस चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो वह आप सभी लोगों को बताएंगे। कॉशन मनी वापस करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, आपका अकाउंट डिटेल देना होगा, तो आप सारा अकाउंट डिटेल अपना लेकर के चले जाएंगे और वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरा कर देंगे तो आपके अकाउंट में वो कॉशन मनी सेंड कर दी जाएगी। अब होता क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, इसको न लेने पर लॉस किसका होता है, स्टूडेंट का ही लॉस होता है। जैसे होता क्या है कि अगर आप इसके बारे में चर्चा, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जब इनके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे कॉशन मनी के बारे में तो आपसे भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनका कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को कॉशन मनी के बारे में जानना चाहिए, कॉशन मनी उसका अधिकार है, क्योंकि अगर आप कॉशन मनी नहीं लेते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। कॉलेज का अपना एक अकाउंट होता है उसमें कॉशन मनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, छात्रों का एक बड़ा समूह ऐसा है जिनको कॉशन मनी के बारे में नहीं पता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को कॉशन मनी के बारे में सारी चीज़ें बताना उपयुक्त समझा और सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताया है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी, और अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, आपने अभी तक कॉशन मनी अपनी नहीं वापस ली है, तो आप जाकर के ले सकते हैं, और अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने जूनियर्स अपने सीनियर्स के साथ कॉशन मनी के बारे में जरूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को भी आप सभी लोग शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपके अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, शाम को 8 बजे आपके अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास चल रही है। अगर आप सभी लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग ध्यान रखें कि शाम को 8 बजे आपके अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास रेगुलर चल रही है, वहाँ पर आप सभी लोग आ करके क्लास को अटेंड करिए और उस क्लास का लाभ उठाइए, ठीक है ना। बाकी अगर इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का प्रयास किया है वो सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम पर सर्च करिए डी मैथमेटिकल सोल्यूशन, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।